उसके बाद आप लोग को हम 2.2 पूरा बता दिए, कुछ आप लोग काम संभाल का पूरा करना होगा। लेकिन अब देखिए 2.3 में, इसमें आप लोग को क्वेश्चन में दिया है डिवाइड, शायद आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि डिवाइड पॉलिनोमियल में कैसे दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग को दिया है पहला क्वेश्चन का पहला में पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, और ये जी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो हमको जी एक्स से पी एक्स में डिवाइड देना है, तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू जी एक्स वाला यहाँ पर लिख दिया और पी एक्स वाला तो बीच में लिख दिए। कैसे आप लोग जो बचपन में पढ़े होंगे कि इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइजर, ये डिविडेंड होता है, और जो आता है यहाँ पर कोसेंट मतलब कि भागफल, और नीचे जो बच जाता है वो रिमाइंडर, सेम उसी तरीका से है। तो डिवाइड देंगे तो हमको यहाँ पर सोचना है कि जो यहाँ पर क्यूब है पावर तीन, हमको यहाँ पर लाना है, यहाँ पर दिया है एक्स का पावर दो, और हमको शुरू में मल्टीप्लाई जो यहाँ पर क्या हम रखें डिजिट, यहाँ पर क्यूब आ जाए एक्स का क्यूब, पहले वाला लेटर को हमको लाना रहता है, पहले वाले नंबर को जो भी हमको बराबर करना है पहले वाले को। तो यहाँ पर पावर दो है तो एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर पावर वन, तो मल्टीप्लाई करते दो एक तीन हो जाएगा पावर, तो यहाँ पर कितना हो गया एक्स का पावर थ्री। लेकिन ये एक बात है, शुरू हो रहा तो हम लोग कर लिए, तो उसके बाद अगर जब हमको माइनस टू भी साथ में लगा हुआ है, तो जो नंबर ये पहले जो भी हम लिखेंगे हम उसके बाद वाला भी सब मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो देखिए हम जब बाद में मल्टीप्लाई किए तो माइनस टू था, माइनस टू एक्स से गुना किए तो माइनस टू एक्स हो गया। अब देखिए इसको एक्स के बाद ही लिखना ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसका तो कैटेगरी है नहीं, एक्स वाला यहाँ पर फाइव एक्स है, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए। अब हम क्या करते हैं हम लोग कि डिवाइड में भी ऐसे भी हम लोग नीचे जो घटाते हैं ना, तो घटाने मतलब क्या साइन चेंज कर दिया जाता है, यहाँ प्लस एक्स क्यूब है तो यहाँ पर क्या कर दिया माइनस एक्स क्यूब, और जो माइनस उसको प्लस कर दिए, ये तो प्लस माइनस कट गया तो मेरा बचा क्या माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ऊपर से नीचे आ गया, और यहाँ पर देखिए एक्स एक्स में जोड़ घटा हो गया, यहाँ पर जोड़ हो गया दोनों में प्लस है, तो पाँच दो सेवन एक्स प्लस में माइनस थ्री। अब फिर इसके बाद हमको थ्री एक्स स्क्वायर को लाना, क्योंकि यहाँ पर देखिए थ्री एक्स स्क्वायर है, तो हमको यहाँ पर अगर हम माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर खुद यहाँ पर है ये है, तो थ्री में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब दो में भी गुना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तीन दूनी का छः। अब साइन चेंज करेंगे माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस कट गया, जब कट गया तो क्या आपका बचा इधर बचा सेवन एक्स, इधर बचा छः तीन जोड़ देंगे क्योंकि ऊपर वाला साइन ही लेंगे, जो बदल गया उसको अब देखते हैं छः तीन नौ, तो आपका क्यू एक्स मतलब कि जो कोसेंट था वो ऊपर वाला एक्स माइनस थ्री हो गया, और आर एक्स क्या हो गया सेवन एक्स माइनस नाइन मतलब रिमाइंडर। इसी तरह से देखिए आप लोग लिखे भी हैं नोट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडेड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है रिलेशन, और इसलिए यहाँ से डिविडेंड हो जाएगा पी एक्स जो बीच में रहेगा, जी एक्स हो जाएगा जो उससे भाग लगाया जाएगा, और क्यू एक्स जो इधर ऊपर में चाहिए इधर भी लिख सकते हैं, ये बचेगा जिसको भागफल को लिखने बोलते हैं, और आर एक्स रिमाइंडर नीचे वाला, यही रिलेशन है। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन में भी है, इसमें पी एक्स बराबर एक्स का पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव है, आपको डिवाइड देना है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, इसको थोड़ा सा अच्छा से करके पहले एक्स का माइनस वन पहले माइनस एक्स को यहाँ लिखेंगे बीच में, प्लस वन को उधर यहाँ पर सीधा करके लिख दिए हैं, और फिर उसको बीच में सेम वही रूल, हमको एक्स का पावर फोर लाना था तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना होगा दो दो चार, और बाकी जो एक में मल्टीप्लाई हुआ तो इससे जो है ये सब मल्टीप्लाई होगा तीनों, तो एक उसे कर लिया फिर दो और जो बचा तो माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स का क्यूब हो गया, और फिर प्लस एक्स स्क्वायर, तो जब हम इसको साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज किए तो यहाँ पर एक्स का पावर थ्री आएगा, जिसका ऊपर कोई कैटेगरी नहीं है एक्स की, एक्स का पावर थ्री वाला को उसको जस्ट का दस उतार देंगे। अब ऊपर वाला में तीन का पावर पावर दो आएगा, यानी कि माइनस थ्री एक्स स्क्वायर में यहाँ देखिए इसका कैटेगरी यहाँ होता है माइनस माइनस में जोड़ देंगे तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस फोर एक्स और प्लस फाइव सब उतार दिए। फिर एक बार हम देखेंगे क्यूब हमको लाना है, यहाँ पर पावर दो है यहाँ पर एक्स देंगे तो एक्स और दो एक्स मिल के तीन हो जाएगा पावर, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस थ्री थ्री बन जा थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स वन जाए ठीक है लिखे यहाँ पर प्लस एक्स वन जा एक्स। अब हम क्या करेंगे कि जब हम साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज किया यहाँ पर देखिए तो जो ये एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस कट गया, और देखिए यहाँ पर माइनस चार एक प्लस एक्स चार में से एक गया तीन तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हुआ, और ये चार एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा पाँच, ना चार में से गया तीन बचेगा क्योंकि प्लस है माइनस है तो प्लस थ्री एक्स एक्स बचा, और यहाँ पर प्लस फाइव उतार दिए। फिर इसके बाद
फिर हमको क्या लाना है, 3 - 3x² लाना है। इसमें -3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो मान लें हमको मेन समझना है शुरू वाला लाना है, बाकी बाद वाला जो भी कुछ है। तो शुरू में हमको -3x² लाना था, x² था, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² हो गया। बाकी सब में पारा पारी मल्टीप्लाई करेंगे, -3x और +-3। तो यहाँ से जब हम कटा देंगे इसको तो क्या बचा, 5 ये भी प्लस में और 3 ये 8 हो गया। और यहाँ पर qx = ये वाला ऊपर वाला लिख देंगे जिसको भागफल कहा जाता है, रिमाइंडर 8 हो गया। अब थर्ड वाले में भी वो सेम उसी तरह करना है। जी एक्स दिया है तो इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, -x² प्लस 2 सीधा करके लिए, और फिर वही माइनस एक माइनस हमारे हमको x का पावर 4 लाना है। तो -x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x का पावर 4 प्लस में, और उसमें जब किए थे -2 इसमें भी करेंगे 2 में भी, तो कितना हो जाएगा +-2x². अब साइन चेंज, तो माइनस करके कटाएं इसको, माइनस कर दिए इसको प्लस कर दिए, जो माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जो माइनस हो जाएगा। अब ये कट गया ऊपर क्या देखिए, अब x² कोई कैटेगरी नहीं है तो जस का तस नीचे आ जाएगा, प्लस हुआ था तो 2x² साइन जब आगे नहीं रहता तो प्लस ही रहता है, और -5x + 6। अब हमको कितना लाना है, 2 लाना है, तो माइनस यहाँ पर ये है 2x² लाना है, तो -+ यानी कि -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -+2x² हो गया, और +-4 हो गया उधर उसकी कटेगरी की तरफ लिख दिया, क्योंकि 6 4 में जो कटा हो जाएगा। तो कट गया आगू जो है -5x + 10 का साथ उतर गया, क्योंकि उसका कोई कटाने वाला था नहीं जोड़ घटाव में, और 6 और 4 10 हो गया, यानी कि qx = कितना हो गया, ये वाला -x² - 2 - कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, थोड़ा दूसरा तरीका से लिख दिए हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको गलत नहीं है। और rx जो है -5x + 2, इस तरह से आपका पहला वाला पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया। और आगे बताएंगे।